नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है नाव और धारा से संबंधित, नाव और धारा, तो नाव व धारा से संबंधित चीजों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, देखिए होता क्या है इसमें, पहले समझ लीजिए। हम लोग रेलगाड़ी यानी समतल पर जब एक ही तरफ चलते हैं तो दिशा एक ही होता है, तो सापेक्ष चाल में घटाया जाता है, और दिशा विपरीत होता है तो जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन धारा और नाव के संबंध में जरा देखिए, जब शांत जल में यानी शांत जल में, ध्यान समझिएगा कि शांत जल में, जल में नाव की चाल, नाव की चाल अगर भी मीटर पर सेकेंड है तथा धारा की चाल, धारा की चाल भी 2 मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड लेकर ही हम चल रहे हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर नहीं बल्कि मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर भी लेकर चल सकते हैं। अब जरा समझिएगा, अगर हम किलोमीटर पर आवर ही लिखते हैं तो किलोमीटर पर आवर ही रख रहे हैं, किलोमीटर पर आवर रख दीजिए, क्या करना है। चलिए अब समझिए कि इसका मतलब ये है कि जल गति न करें, तो जल रुका हुआ हो, तो जल कहाँ रुका होता है, तो झील में, आप जानते हैं कि झील में जल रुका होता है, ठीक है, झील में जल रुका होगा। तालाब में, तालाब में जल रुका होता है, जल रुका होगा, ठीक है। आप समुद्र में देखेंगे तो समुद्र, समुद्र में भी, में भी जल क्या होगा, रुका होगा। समुद्र में जल बहता नहीं है, समुद्र में जल क्या होता है, इकट्ठा रहता है, रुका होता है, उसमें लहरें केवल आती हैं और जाती हैं, जो किनारों पर टकराती हैं बस, लेकिन उसमें जो है गति नहीं होता है, उसका गति किधरों हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है मौसम और समय पर समुद्र में। अब चलिए यहाँ पर क्या है, झील और तालाब। तालाब वह होता है जहाँ पर कम मात्रा में पानी होता है, कम मात्रा में, मात्रा में पानी होता है, लेकिन झील में क्या होता है, अधिक मात्रा में पानी होता है, अधिक मात्रा में पानी होता है। झील जो होता है ये पहाड़ों के बीच में होता है, ठीक है, पहाड़ों के बीच में, बीच में झील बनता है। परंतु तालाब जो है हम गड्ढा खोद कर बनाते हैं, समतल आकृति में तालाब बनाते हैं जहाँ पर पानी कम होता है, लेकिन 2 या 3, 4, 5, 6 पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ अगर स्थान होता है जहाँ बारिश के मौसम में बारिश होता है तो पानी रुक जाता है, उसे ही हम कहते हैं क्या, झील। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, ठीक है, लेकिन तालाब में कम मात्रा में पानी होता है, चलिए, लेकिन पानी रुका होता है। अब जो ये V1 किलोमीटर पर आवर है वो जो है रुके हुए पानी में है, ठीक है, यानी पानी शांत है, उसमें आसानी से V1 यानी एक घंटा में V1 किलोमीटर की दूरी हम तय कर सकते हैं, चलिए। लेकिन नदी अगर है तो नदी में धारा का प्रवाह होता है, नदी में धारा का प्रवाह होता है, धारा बहता रहता है। अब जैसे धारा का बहाव ऐसे है, ये धारा बह रहा है और ये धारा की गति जो है, धारा की गति है V2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक कागज का हम नाव ऐसे बना कर रख दें और इसको चलाएं नहीं, ये कागज का नाव है, ठीक है, कागज का नाव, तो अगर इसको यहाँ छोड़ दें तो एक घंटे बाद हम देखेंगे कि इस धारा के साथ बहकर ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, यानी A से B पहुँच गई। इसका मतलब है कि एक घंटा में ये दूरी जो है V2 किलोमीटर तय कर ली, ये तो चला नहीं,
कागज का टुकड़ा तो यहीं छोड़ दिया गया था, कागज का टुकड़ा उस पर चल नहीं रहा है, बल्कि कागज का टुकड़ा इस धारा के साथ बह रहा है। जैसे जैसे धारा बह रही है वैसे वैसे उसको लेकर जा रही है कागज के टुकड़े को, ये चलाया नहीं जा रहा है। तो यह यानी यहाँ जो पानी था वही पानी इसके आगे इतनी ही दूरी पर जब नाव यहाँ पर आ जाता है, ये नाव, तो जो पानी यहाँ पर है वही पानी यहाँ पर है, जो पानी इसके पीछे वही पानी यहाँ है, जो इसके नीचे पानी है वही पानी इसके नीचे, यानी सब सेम है सब कुछ, यानी पूरा का पूरा यहाँ का मात्रा यहाँ चला आया, परंतु कितना दूरी हो गया V2 किलोमीटर। लेकिन अगर यह नाव चलाया जाता है, नाव अगर इस सतह पर चलता है तो ये बहाकर तो इतना V2 ले गया, अगर ये V1 किलोमीटर इस पर चलाया जाता है तो इसका मतलब है कि इस स्थान को, जो ये स्थान है इसको छोड़कर ये यहाँ पर आ गया होता ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये V1 किलोमीटर इस पर चला गया होता, इस सतह पर अपने स्थान को छोड़कर यहाँ पर चला आया होता, ठीक है। कब? जब इसको इस पर चलाया जाता है तब। तो इस पर अगर हम चलाएंगे तो ये भी तो चलेगा ना, आगे निकलेगा। इसका मतलब है कि अब कुल दूरी कितना हो गया, तो V1 किलोमीटर, अर्थात यहाँ पर टोटल जो दूरी हो जाएगा वो V1 प्लस V2। कब? जब दोनों एक ही दिशा में है तब। इस चाल से वो चलेंगी, ठीक है, नाव इस चाल से दूरी को कवर करेगा, तय करेगा। परंतु अगर सपोज दैट धारा जो है इधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, इधर, ठीक है, इधर V2 चाल से, और नाव जो है इधर की तरफ, यहाँ से नाव जो है ऐसे, ये नाव है वो इधर की तरफ गति कर रहा है V1 किलोमीटर पर आवर। अब जरा समझना है कि यहाँ से नाव जो है, अगर ये पानी रुका होता तो पानी रुका होता तो नाव यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है कि यह दूरी जो है V1 किलोमीटर तय किया, कब? जब पानी रुका है तब। तो अब यहाँ पे आ गया नाव, ये नाव यहाँ आ गया चलकर, कब? जब पानी रुका है। लेकिन अगर पानी इधर बहता है V2 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब यहाँ का पानी यहाँ चला जाता, यानी ये यहाँ से यहाँ तक V2 किलोमीटर लेके चला जाता, तो ये नाव भी तो साथ ही साथ यहाँ बहाकर चलाएगा। इसका मतलब है कि अब नाव जो है ये यहाँ पर है, ये नाव यहाँ नहीं है, ये रुका होता पानी तब होता नाव, लेकिन जब पानी चल रहा है तो नाव यहाँ पर है। अब कुल जो दूरी है वह दूरी यहाँ पर V1 माइनस V2 है, केवल इतनी ही दूरी तो तय किया ना। इसका मतलब है कि जब नाव की चाल और धारा की चाल एक दूसरे के विपरीत है, तब वह किस चाल से नाव जो है दूरी को तय करेगी, तो नाव V1 माइनस V2 चाल से तय करेगी। विपरीत दिशा होगा तो चाल घटेगा, और सेम दिशा होगा तो चाल जुटता है। क्लियर है? ये बात तो समझ में आ गया सभी लोगों को। अब चलिए, तो यहाँ पर हम इसी चीज को इसी स्पीड से जो है वह दूरियों को तय करेंगे। तो अगर ये V1 और V2, तो यहाँ पर पहला कंडीशन कि धारा की दिशा में नाव द्वारा S दूरी तय करने में, लिखिए, करने में लगा समय T S V1 प्लस V2 पाना। दूसरा ये कि धारा के विपरीत दिशा में नाव द्वारा S दूरी तय करने में लगा समय। तो T S V1 माइनस V2, ठीक है। देखिए S V1 प्लस V2 यहाँ पर है और S V1 माइनस V2 यहाँ पर है, ठीक है।
ठीक है। अब इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं दोनों को लेकर हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। सपोज दैट अगर ये कहा जाता है कि यह एस दूरी यहाँ से इधर धारा की दिशा में जाकर और वापस आने में तो कुल समय टी लगता है, ठीक है, तो टी बराबर हम लिखेंगे एस अपान वी वन प्लस वी टू और प्लस एस अपान वी वन माइनस वी टू, ठीक है। कब, जब दूरी एस दूरी जाकर वापस आने में कुल लगा समय टी होगा, तो टी के लिए, ठीक है। तो लिख लीजिए इन सभी बातों को। हो गया, चलिए आइए अब लिखा जाए प्रश्न। लिखिए प्रश्न पहला नंबर, सभी लोग लिखिए। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में बयालीस किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय किया जाएगा, ठीक है। तो S बराबर दिया है 42 किलोमीटर, V1 दिया है 12, V2 दिया है 2, ये धारा की चाल है, ये नाव की और ये धारा की चाल है, तो T बराबर S अपन V1 प्लस V2, क्योंकि दिशा एक ही है, तो 42 बटा 12 प्लस 2 14 और 14 3 42, यानी कितना लगेगा, 3 घंटा लगेगा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, दूसरा प्रश्न लिखिए। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में नाव द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय किया जाएगा।
तो यानी S बराबर है 48 किलोमीटर, V1 है 10, V2 है 2, तो विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में। तो T बराबर S अपान V1 माइनस V2 48 बटा 10 माइनस 2, इसका मतलब 48 बटा 8, 8 छके 48 यानी कितना लगा 6 घंटा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। शांत शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के दिशा में कितनी दूरी जाकर वापस आने में आठ घंटा का समय लगेगा। ठीक है, मान लिया जाए कि S दूरी जाकर वापस आने में 8 घंटे का समय लगता है। S दूरी है, जाने में T1 समय लगता है, आने में T2 समय। तो T बराबर दिया है 8 घंटा, V1 दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, V2 दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। T बराबर हमें पता है कि S अपान V1 प्लस V2 और प्लस S अपान V1 माइनस V2। यहाँ लिखते हैं 8 घंटा, ये S अपान, ये 8 प्लस 2 और यहाँ पर S अपान 8 माइनस 2, तो S बटा यहाँ 10 और यहाँ S बटा 6, यहाँ 8। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10 और 6 कैल्शियम 30 से गुणा कर दें, 8 × 30 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, 30 से गुणा करेंगे तो 3S प्लस 5S, 5 × 3 8S बराबर 8 × 30। इसका मतलब है ये है कि S बराबर 8 × 30 बटा 8, 8 कट गया, तो यानी 30 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है? 30 किलोमीटर की दूरी। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तेजी से सॉल्व करिए। हो गया।
हो गया। अगला नंबर लिखिए, यदि जो भी यदि धारा की दिशा में तीस किलोमीटर की दूरी नाव द्वारा तीन घंटा में तथा धारा के विपरीत दिशा में चौबीस किलोमीटर की दूरी चार घंटा में तय किया जाता हो, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए अब देखिए, हमें पता है कि मान लेते हैं, माना नाव की चाल V1 तथा धारा की चाल V2 है, ठीक है। तो धारा के दिशा में चार V1 प्लस V2 होगा ना, और यह बराबर जो हो जाएगा दूरी बटा समय, चार बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 30 किलोमीटर धारा की दिशा में और समय है 3 घंटा, तो 10 आया, यानी V1 प्लस V2 बराबर 10। तथा विपरीत दिशा में 4 बराबर V1 माइनस V2 बराबर दूरी बटा समय, यानी 24/4, ये आ गया 6, यानी V1 माइनस V2 बराबर 6 आ गया। समीकरण 2, V1 प्लस V2 10, V1 माइनस V2 6, तो समीकरण 1 व 2 से अगर साल्व किया जाए तो V1 प्लस V2 बराबर 10, V1 माइनस V2 बराबर 6, जोड़ देंगे V2 कैंसिल, 2V1 बराबर हो जाएगा 16, तो यहाँ से V1 बराबर आ गया 8। अतः V2 अगर निकालें पहले समीकरण से तो 10 माइनस 8, क्योंकि ये V2 10, V1 प्लस V2 बराबर 10, V2 निकालेंगे तो V1 इधर जाएगा, V1 8 आ गया है, तो ये 2, यानी धारा की जो चाल है यही पूछा गया है, अर्थात धारा की चाल V2 जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर। हो गया, हो गया। चलिए हटा दें।
आएगी। दूसरा प्रश्न लिखिए, यदि नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में चालीस किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तथा धारा की दिशा में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय किया जाता हो तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसका मतलब V1 + V2, अब डायरेक्ट लिखें V1 + V2, यानी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जो चाल होगा वो 36 किलोमीटर को 3 घंटा में, 36/3 तो ये 12 आ गया, और V1 - V2 तो ये 40 किलोमीटर 5 घंटा में, तो 40/5 तो ये 8 आ गया। अब अगर हम जोड़ दें तो ये कैंसिल, तो 2V1 = 12 × 8 = 20, तो V1 = 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर ये नाव की चाल है। और अगर V2 का निकालेंगे तो इसमें रख दें तो V2 = 12 - 10 = 2 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अब तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखा जाए। अगला नंबर लिखे, यदि नाव द्वारा या नाव से कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे धारा की दिशा में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस वह वापस वह रात्रि
वापस वह 10 बजे रात्रि आता हो तो वह दस बजे रात्रि आता हो तो वह तो उसकी लिखेंगे तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए, नाव की चाल ज्ञात कीजिए, जबकि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चलिए देखा जाए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाव द्वारा 40 किलोमीटर जाकर वापस आया जाता है, यानी नाव द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो जाएंगे V1+V2 से, आएंगे V1-V2 से, ठीक है। और सुबह 5 बजे सुबह निकलते हैं और रात्रि 10 बजे वापस होते हैं, तो कई घंटा पूरा टोटल लगा। तो चलिए रात्रि 10 बजे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 बजे से 5 बजे तक 12 घंटा हो गया, और 10 तो यानी 12 5 17 घंटा हो गया, कितना हो गया 17 घंटा हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर हम 10 बजे न लिखकर बल्कि रात्रि 8 बजे कर देते, थोड़ा आसान हो जाता आपके लिए, 8 बजे कर दे रहे हैं, अंक केवल बदल देते हैं, 8 बजे कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका मतलब टोटल जो समय लग रहा है वो कई घंटे का लग रहा है, तो 12 3 15 घंटा का समय लगा है, 15 घंटा का टोटल समय लगा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हम t बराबर जानते हैं कि s/v1+v2 और s/v1-v2, यहाँ t के जगह पर 15 घंटा है, s 40 किलोमीटर है, v1 नहीं पता है और v2 पता है 2, ठीक है। तो 40/v1-v2 तो v1-2, ठीक है। अब ये 40 यहीं रह जाए तो अब इसका इसमें गुणा कर दें या इधर लिख दें 15/40, ठीक है। 40 कामन ही ले लेते हैं तो 40 कामन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा V1-2 और यहाँ +V1+2 और पूरे का बटा V1+2 × V1-2, ये 15 है, 5 × 3 = 15, 5/40 इधर 3 हो गया बराबर, ये 2 कट जाएगा तो ये V1 × 2V1 तो ये हो जाएगा 16V1, 8 × 16V1 ये हो जाएगा V1² - 4, इसका गुणा इधर कर दें तो ये हो जाएगा 3V1² - 12 बराबर 16V1, इसको इधर लेके आए तो 3V1² - 16V1 - 12 = 0। अब 12 + 36 तो 3V1² और 36 हो गया तो 18×2 लिख सकते हैं, क्यों 18×2, अब यहाँ पर 16 लाना है तो हम लिख दें 16V1² तो 18V1 या 18×36 तो 18V1 और +2V1 कर देते हैं, ठीक है, -12 = 0। इन दोनों में 3V1 कामन ले लें तो V1-6 और प्लस यहाँ 2 कामन ले लें तो V1-6 = 0। तो यहाँ पर 3V1 + 2 और V1-6 = 0
तो वी वन बराबर आ गया 6, ये तो अमान्य हो जाएगा, और वी वन बराबर माइनस 2/3, तो ये अमान्य कर देंगे। इसका मतलब वी वन का मान कितना आ गया, 6, ठीक है। तो वी वन हो गया 6, अर्थात नाव की चाल, नाव की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर। उम्मीद है कि प्रश्न समझ में सभी आ गए होंगे, जो भी आज हमने बताया इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो कल इसके आगे कुछ न्यूमेरिकलों को लेकर हम आएंगे और सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकलों को, ठीक है। तो कल मुलाकात होगा, तो हम नाव और धारा संबंधित अलग तरह के जो परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं वैसे न्यूमेरिकलों का सलूशन करेंगे। कंसेप्ट आज हमने आपको बताया, कुछ एग्जांपल भी लगाया ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस तरह लगाया जाता है, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी। आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, आजकल जो है ज़्यादा समय तक हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, फिर भी आधा घंटा भी बहुत है आपके लिए, कम से कम तेज़ी से आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तो हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।